आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन चेक करना क्या है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे तीन सॉल्यूशन है। पहला 0.1 मोलर यूरिया है, दूसरा 0.1 मोलर NaCl है एंड तीसरा 0.1 मोलर CaCl2 है। बाकी है वेपर प्रेशर की, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की, फ्रीजिंग पॉइंट की एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे RLVP की, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। क्या होता है, जब भी आपको नॉनवोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्यूशन का और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। कितना कम हुआ, ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल, उसको बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, डेल्टा TB। कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, डेल्टा TF। प्रोपोर्शनल होता है ये हमारा किसके, I into mk, I into मोलरिटी। ये मोलरिटी सेम है तो मैं बोल सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सिंपली वो IK। आई यहाँ पे क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। ये बताएगा कि अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो रहा है सोल्यूट पार्टिकल्स का, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। अब जिसका आई ज़्यादा होगा उसका RLVP भी ज़्यादा होगा, उसका डेल्टा TB ज़्यादा होगा, उसका डेल्टा TF ज़्यादा होगा, ठीक है। आई क्या होता है, देखिए 1 plus n minus 1 to alpha इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अब चूंकि अल्फा की बात की नहीं गई है तो मैं मानूंगा 100% डिसोसिएशन, अल्फा लूंगा 1। एन क्या होता है, कितने पार्टिकल्स को मिल सकते हैं एक पार्टिकल डिसोल्व करने पे। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव में और Cl माइनस में, डाला हमने एक, हमको मिल सकता है यहाँ पे 2। कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है हमारा अल्फा पे, चूंकि अल्फा हमारा 1 हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा। तो I इज इक्वल टू 1 plus n कितना है, 2 minus 1 into alpha कितना हो गया 1, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। इसका I कितना आ गया 2, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया, इसका M ऐसा बन रहेगा, इसका कितना आ जाएगा, देखिए CaCl2 है, तो ये बनाएगा Ca2 plus 2Cl minus, ठीक है। तो I क्या आएगा इसका, 1 plus n minus 1 into alpha, n कितना है 3 minus 1 into 1, ये बन जाएगा यहाँ से 3, I इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो जिसका आई ज़्यादा उसका आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा। बात करते हैं वेपर प्रेशर से पहले, तो देखिए RLVP ज़्यादा हो जाएगा किसका, सबसे ज़्यादा इसका। अब RLVP का मतलब क्या है, लोअरिंग वेपर प्रेशर एक तरह से। वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा कम किसका हुआ है, थर्ड का, तो सबसे कम वेपर प्रेशर का होगा हमारा, है ना। RLVP का मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, मतलब कितना कम हो रहा है वेपर प्रेशर, मैक्सिमम कितना कम हो रहा है CaCl2 वाले का, तो उसका वेपर प्रेशर उससे कम हो जाएगा, तो ये लोवेस्ट हो जाएगा थर्ड का, उनका तो मैक्सिमम रहेगा, गलत हो गया। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम इन थर्ड, हम देख लिया अभी, सही आ रहा है बिल्कुल। फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम फॉर थर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, डेल्टा TF का मतलब क्या है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा किसका है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ है, थर्ड का हुआ, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू आई है वो भी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए है, सबसे ज़्यादा थर्ड के लिए, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका हो जाएगा, इसी का हो जाएगा, ये तो चेंज है ना। चेंज का मतलब कितना, सबसे ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है, थर्ड वाले में, और चेंज भी कैसा है, नेगेटिव चेंज है, मतलब कम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कम किसका हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा, तो मैक्सिमम थोड़ी मिनिमम रहेगा, ये गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम फॉर सेकेंड, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका बढ़ेगा, वन का, सॉरी सबसे ज़्यादा किसका बढ़ेगा, थर्ड का, सबसे ज़्यादा कम किसका बढ़ेगा, वन का, क्योंकि इसके पास आई हमारा वन है, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा TB, सॉरी डेल्टा TF का, डेल्टा TB का मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका बढ़ा, जिसका ज़्यादा आई होगा उसका सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, थर्ड का सबसे बढ़ेगा, तो मैक्सिमम इसका हो जाएगा, मिनिमम किसका रहेगा, जिसका आई सबसे कम रहेगा, इसका मिनिमम रहेगा, ठीक है, तो वन का मिनिमम रहेगा, सेकेंड का नहीं आएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।